वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, कोरेंट इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है आप सबों का। तो मैं इससे पहले फायर हिम का दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखिए। और ये वीडियो पार्ट 3 आपका एक स्पेशल वीडियो है जो केवल समरी और ऑब्जेक्टिव के लिए है। आप लोग अपने कॉपी में उतारे भी होंगे, इट मीन लिखे भी होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे इस असाइनमेंट को मैसेज कर दिए थे। तो आइए आप लोग अपनी अपनी कॉपी को निकाल लीजिए और इस समरी का हम लोग हिंदी करते हैं। फायर हिम, हाँ, किस समरी का? फायर हिम समरी का। तो देखिए, फायर हिम समरी जो है तो इसके लेखक मीन कवि जो हैं कौन है? केकेएन दारूवाला। और इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो आपका टोटल समरी में दे दिया गया है। आइए लाइन बाय लाइन हम लोग हिंदी करते हैं। देखिए, कहता है दिस पोएम फायर हिम। दिस पोएम के मीन्स यह कविता, कौन सी कविता? फायर हिम कविता ना, हैज बीन कंपोज्ड बाय केकेएन दारूवाला। ये किनके द्वारा रचित किया गया है, लिखा गया है? केकेएन दारूवाला के द्वारा। ही इज वेल नोन पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और ये एक जाने माने, वेल नोन के मीन प्रसिद्ध, मीन जाने माने, ये एक जाने माने क्या चीज थे? पोएट थे, मीन कवि थे, एक पोएट, हाँ कवि थे, एंड और शॉर्ट स्टोरी राइटर। और क्या चीज थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, मीन लघु कहानी लेखक, छोटे छोटे कहानी भी लिखा करते थे। दिस पोएम इज अबाउट बर्निंग घाट। ये पोएम किस चीज के बारे में है? तो बर्निंग घाट के बारे में। ने आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत गहराई से बात किए हैं। यह वीडियो जो है केवल समरी और ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है? तो ये कवि कह रहे हैं कि दिस पोएम इज अबाउट बर्निंग घाट। ये पोएम किस चीज के बारे में है? बर्निंग घाट के बारे में। ने बर्निंग घाट कहते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब्स के मीन्स वर्णन करना, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं अबाउट ए बर्निंग घाट। किस चीज के बारे में वर्णन करते हैं? बर्निंग घाट के बारे में। तो बर्निंग घाट के मीन्स क्या? जलता हुआ घाट, मीन शमशान घाट के बारे में। कहते हैं वेयर, जहां डेड बॉडी, मरे हुए शरीर को, इज बर्न्ड, जलाया जाता है। ने बर्निंग घाट हम लोग उसी जगह को कहते हैं जहां मरे हुए शरीर को, मीन मृतकों को जलाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? बर्निंग घाट कहते हैं। कहता वन डे, एक दिन, द पोएट इज वांडरिंग। पोएट क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, है ना? कहां घूम रहे हैं? विथ हिज फादर, किनके साथ? अपने पिता के साथ। कहां? नियर बाय, है ना? वो घूम रहे हैं, कहां घूम रहे हैं? नियर बाय ए बर्निंग घाट, एक बर्निंग घाट के करीब। ने मीन बर्निंग घाट है, और उसी जगह से कभी क्या हो रहे थे? घूम रहे थे, यहां पर कहेंगे गुजर रहे थे। ने कभी गुजर रहे थे, और साथ में उनके पिताजी भी थे, है ना? दोनों पिता और पुत्र उसी रास्ते से गुजर रहे थे। कहते हैं द पोएट सीज, कवि देखते हैं, क्या देखते हैं? द रेड, है ना, हॉट एम्बर्स, कवि देखते हैं, क्या देखते हैं? रेड मीन लाल, हॉट गर्म एम्बर्स, आग की लपट देखते हैं, मीन चिंगारी निकलता होता है, वही देखते हैं। स्टील ग्लोइंग मेनी आवर्स आफ्टर ए डेड बॉडी, हैज बीन, क्या चीज? हाँ, कहते हैं क्रीमेटेड। सुनिए, कवि कहते हैं कि मैं वहां पे देखा, और क्या चीज देखा? कि आग के लपटे थे, जो
मृतक शरीर को लंबी समय पहले क्या कर दिया गया था? क्रीमेटेड मीन अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार करना, तो जला दिया गया था, और उस जलाने के बाद भी आग की लपट वहां पे रह गई। ही इज शॉक्ड, वे हैरान हो गए। कौन हैरान हो गए? कभी हैरान हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं। कहते ही इज शॉक्ड, वे हैरान हो गए। पारसी इंस्टीड ऑफ क्रीमेटिंग देयर डेड बॉडीज कैरी इट टू द टावर ऑफ साइलेंस। एक वर्ड आया है टावर ऑफ साइलेंस, इसका मतलब होता है पारसी धर्म जहां अपने मृतकों को जलाते नहीं हैं, दफनाते नहीं हैं, केवल ले जा करके रख देते हैं। जैसे हम पहला पार्ट में बताए थे वीडियो पार्ट वन में कि टावर ऑफ साइलेंस के मतलब होता है जिस तरह से मुस्लिम का कब्रिस्तान हो, हिंदू का शमशान घाट हो, उसी तरह से टावर ऑफ साइलेंस होता है। और किनके लिए? पारसी धर्म के लिए। पारसी धर्म अपने मृतकों को अंतिम संस्कार कहाँ करते हैं? टावर ऑफ साइलेंस में करते हैं। वहां ले जा करके वो चुपचाप अपने मृतकों को क्या कर देते हैं? रख देते हैं। उसी जगह का नाम है क्या चीज? टावर ऑफ साइलेंस। तो कहते हैं कि टावर ऑफ साइलेंस है ना, वो पारसी धर्म जो होते हैं अपने मृतकों को ले जाते हैं कहाँ? अंतिम संस्कार के लिए, है ना, क्रीमेटिंग के लिए। कहाँ? देयर डेड बॉडीज कैरी इट टू कहाँ? द टावर ऑफ साइलेंस। और क्या करते हैं? टू पुट देयर इन, और उसी में भी लोग क्या कर देते हैं? अपने डेथ बॉडी को रख देते हैं, ने पुट कर देते हैं। कहते हैं कि ही इज हॉरिफाइड, वो क्या होता है? पूरा भयावह होता है। टू सी सच क्रूअल एक्ट, नहीं वह दृश्य कैसा होता है? एकदम भयावह दृश्य होता है, भयातुक होता है। कहता है पैराग्राफ नेक्स्ट, द पोएट वंस, कभी एक बार, 20 ईयर्स बैक, 20 साल पूर्व, एंड आर कंसाइंड, और वो अंतिम संस्कार के लिए भेज देता है हिज फर्स्ट चाइल्ड, अपने प्रथम पुत्र को, टू द फ्लेम्स, आग की लपट में, फ्लेम्स आग की लपटों में। ने इस लाइन में कभी बताए हैं कि मैं अपने बच्चों को, और कैसे बच्चे थे उनके? फर्स्ट चाइल्ड, ऑब्जेक्टिव में ये मीनिंग पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि कौन से बच्चे को? तो कभी के पहला बच्चा था और वो लड़का था, ने उसको क्या कर देता है? आग में भेज देता है, मीन जला देता है। तो क्या उसके साथ एक प्रॉब्लम आता है? टावर ऑफ साइलेंस कभी के घर से क्या होते हैं? दूर होते हैं, तो लगभग कितना? 1000 माइल्स, नहीं 1000 माइल, है ना। तो ये इसी जगह क्या कर देते हैं? वो बर्निंग घाट में अपने पुत्र को क्या कर देते हैं? जला देते हैं। देखिए कहता है फ्लेम्स बिकाउज द टावर ऑफ साइलेंस वाज द फार अवे, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस क्या था? बहुत दूर था। फ्रॉम हिज रेजिडेंस, रेजिडेंस के मीन्स निवास स्थान से, तो कवि के निवास स्थान से टावर ऑफ साइलेंस क्या था? बहुत दूर था, है ना। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कि द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि टू बर्न ए डेड बॉडी इज एन इनह्यूमैन एक्ट, कहते हैं कि मृतक को आग में जलाना यह एक अमानवीय कला है। ही रिग्रेट्स, वे क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं, डैट की ही हेड कंसाइंड, वो भेज दिए, कंसाइंड के मीन अंतिम संस्कार के लिए भेज देना, कंसाइंड भेज देना, कंसाइंड ही चाइल्ड टू द फायर, ने वो अपने आप में पछताते हैं। किस लिए पछताते हैं? कि मेरे एक प्रथम पुत्र थे और मैं उसको क्या कर दिया था? इसी अग्नि में सौंप दिया था, मीन इस अग्नि में जला दी थी। कहते हैं कि ही सेज, वे कहते हैं कि डैट ही कमिटेड ए सीन बाय डूइंग दिस इनह्यूमैन क्रूअल एक्ट, कहते हैं और मैं इसको क्या करूंगा? इनह्यूमन, नहीं इनह्यूमैन मीन इस अमानवीय
रचना से, इस अमानवीय कला से मैं बचाऊंगा। ही आस्क्स क्या चीज? फॉरगिवनेस। और वो अपने आप को क्या मांगते हैं? फॉरगिवनेस मांगते हैं। नहीं तो कवि इस समरी में बताते हैं फायर हिम के बारे में, है ना, कि फायर हिम के साथ कौन कौन सा घटना, सॉरी फायर हिम चैप्टर में कवि के साथ कौन कौन सी घटना घटता है। नहीं अब देखिए, आप लोग निकाल लीजिए ठीक ऑब्जेक्टिव, है ना। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव भी इसी में है। हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को निकालते हैं और इस ऑब्जेक्टिव में हम लोग आंसर को भी क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव में हम लोग आंसर को बनाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो हमारा यहां से शुरू होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखिए, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव जो मेरा है क्या चीज है, कहते हैं कि केकी एन दारूबाला, है ना, केकी एन दारूबाला इज एन डॉट 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 पोएट। केकी एन दारूबाला कवि है। कहां के कवि हैं? ब्रिटिश के नहीं, अफ्रीका के नहीं, अमेरिका के नहीं, इंडियन कवि है। ने वो इंडिया से बिलोंग करते थे, हालांकि उनकी जन्म तो लाहौर में हुई थी, है ना, जिस वक्त वो लाहौर पाकिस्तान का पार्ट नहीं था, मीन बंटवारा नहीं हुआ था, समझे ना, तो भारत के अंतर्गत ही वो लाहौर आता था। और अभी तो वो आपके किस में है, लाहौर पाकिस्तान भाग में है। नहीं देखिए, तो एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा इंडिया, वो कहां से बिलोंग करते थे, इंडिया से बिलोंग करते थे। नंबर दो कहते फायर हिम इज रिटेन बाय, फायर हिम किसके द्वारा लिखी गई है, केकी एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए टी एस इलियट भी नहीं, केकी एन दारूवाला, तो दो नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, केकी एन दारूवाला। आइए तीन में आइए, कहते इट वॉज द डॉट 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 ऑफ द पोएट अलोंग विथ हिम, कहते हैं कि कवि अपने साथ किनको घुमाते हैं, मीन किनके साथ वो घूमते हैं, कहते हैं पासिंग और वो गुजरते हैं, है ना, पासिंग बाय द कहते हैं क्रीमेशन घाट, मीन क्या, क्रीमेशन मतलब वही जो अंतिम संस्कार जहां होता है जिस जगह पे, कहते हैं कि वो कवि जो गुजरते हैं वो उस घाट से गुजरते हैं और किनके साथ गुजरते हैं, तो पता है ना, वो अपने पिताजी के साथ गुजरते हैं। तो देखिए सिस्टर नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तीन का फादर हो जाएगा, है ना, तीन का क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट में, केकी एन दारूवाला वाज ए डॉट 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 बाय रिलीजियस, वो कौन से धर्म से संबंध रखते थे, तो बताए थे वो पारसी धर्म से बिलोंग करते थे ना, किससे बिलोंग करते थे, पारसी धर्म से, है ना, लेकिन आपके बुक में एक वर्ड मीनिंग और दिया हुआ है, जोरोस्ट्रियन, नहीं जोरोस्ट्रियन मीन क्या, वो पारसी धर्म से संबंध करते थे। यदि जोरोस्ट्रियन भी आ जाए तो भी आपको एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में टिक कर जाना है, और पारसी भी आ जाए तो भी एग्जाम में क्या कर जाना है, टिक कर जाना है। अब देखिए नेक्स्ट मीन फाइव में क्या चीज कहते हैं, कंसाइनिंग, है ना, हिज न्यू बॉर्न टू फ्लैम्स took place dot 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 year ago, कहते हैं वो कितने साल की पूर्व की बात उनको याद आई, जो अपने पुत्र को क्या किए थे, जन्म वाले पुत्र को वो फ्लेम में सौंप दिए थे, तो 20 साल के बाद की ये घटना था। नहीं अपने पुत्र को वो अग्नि में अंतिम संस्कार करने के बाद कभी अपने पिताजी के बाद अपने पिताजी के साथ 20 साल के बाद वो क्या कर रहे थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे, नहीं अपने पुत्र को जलाने के 20 साल के बाद, तो कभी को वह हाफ बर्न फिंगर्स वगैरह जो था, मीन अर्धजली उंगलिये था, अर्धजली लिम्स जो था, तो वहां पे याद आ गया, है ना, कि मेरे बच्चे के साथ भी इसी प्रकार हुआ होगा, है ना, कि उनका पूरा शरीर अच्छी तरह से नहीं जल पाया होगा। कहते हैं कि द बर्निंग घाट एरप्टेड, एरप्टेड के मतलब फूट पड़ना या निकलना, द बर्निंग घाट एरप्टेड, बर्निंग घाट क्या होता है, एरप्टेड होता है क्या चीज से, फास्फोरस एंस से, इज टेकन फ्रॉम, नहीं ये लाइन कहां से ली गई है, तो आपके चैप्टर कौन सा चैप्टर, फायर हिम से, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, फायर हिम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, केकी एन दारूवाला कंसाइंड
केकियन दारूवाला अंतिम संस्कार के लिए क्या कर देते हैं, भेजते हैं हिज फर्स्ट बोर्ड, अपने प्रथम बच्चे को, कहते हैं चाइल्ड टू द फ्लेम्स, और कहाँ भेज देते हैं, आग की लपट में भेज देते हैं। कैसे, फॉर क्रिएमेशन, है ना, और कैसे, बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज डॉट 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 माइल्स अवे। तो इस लाइन में बता रहा है क्या चीज, कि कभी जो है अपने पुत्र को आग की लपट में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, मीन अग्नि को सौंप देते हैं। और क्यों सौंप देते हैं, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस उनका बहुत दूर पड़ता है। कितना दूर पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8000, है ना, तो 1000 हम लिख दिए हैं। देखिए तो 1000 के मतलब भी 1000 ने 1000। तो इस लाइन में यही कह रहे हैं कि कभी अपने पुत्र को अंतिम संस्कार अग्नि में किए तो क्यों किए, और उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ गई थी। तो टावर ऑफ साइलेंस जो उनका था ना, वो क्या हुआ था, 1000 माइल दूर पड़ रहा था, इसलिए कभी क्या कर दिए थे, अंतिम संस्कार वो अपने बगल वाले बर्निंग घाट में ही कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट कहते हैं, हु हैज, क्या चीज, वायलेटेड, है ना, वायलेंस, वायलेंस शब्द से वायलेटेड बनाए, कहता है द ट्रेडिशनल ऑफ हिज रिलीजियस बाय क्रिएमेटिंग, है ना, हाँ कहता है क्रीमिंग, कहते हैं कि कवि, कहते हैं कि कौन से कवि थे जिनका मन मस्तिष्क वायलेटेड था, मीन हिंसा से भरा हुआ। तो बताए थे फर्स्ट पार्ट में कि ये कवि जो थे केकियन दारूवाला, तो केकियन दारूवाला क्या चीज थे, एक आईपीएस ऑफिसर थे, है ना, तो जो भी पुलिस से संबंध रखते हैं उनका मस्तिष्क कुछ विभिन्न होता है, है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मारपीट की बातें सोचते रहते हैं, और आवाज़ उनकी रूढ़ता का आवाज़, कठोरता का आवाज़ निकलता है, उनका अधिकांश सोच जो होता है मारपीट के संबंधित होता है ना, क्योंकि उनकी ड्यूटी भी जस्ट लाइक उसी प्रकार होती है, घटना से संबंधित होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, 8 का केकियन दारूवाला, क्या करेंगे, केकियन दारूवाला। देखिए कहते हैं कि द डॉट 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 चाइल्ड वाज कंसाइंड, कहता है ऑफ फायर, कहाँ, अंडर कंपल्सन, कहता है उनके साथ जो मजबूरी आ गई थी, है ना, और कंपल्सन के मीन मजबूरी, परेशानी, कहते हैं कंपल्सन मीन मजबूरी आ गई थी, तो कौन से चाइल्ड को वो सौंपे थे, थर्ड बोर्न को, जो 3 नंबर का बच्चे था उनको नहीं, फोर्थ बोर्न को नहीं, तो फर्स्ट बोर्न को, नहीं, कभी जो आग में जलाए थे तो उनका बच्चा कितने नंबर का था, 1 नंबर का था, है ना, प्रथम बोर्न था, और उसी को क्या किए थे, अग्नि में जलाए थे। नेक्स्ट देखिए कहते हैं डॉट डॉट बिलोंग्स टू जरस्ट्रियन, देखिए जरस्ट्रियन यदि पारसी भी रहे तो भी आपका आंसर वही होगा, और जरस्ट्रियन भी रहे तो भी आंसर वही होगा। तो डॉट 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 बिलोंग्स टू कौन संबंध रखते हैं, जरस्ट्रियन धर्म से, तो इसमें केकियन दारूवाला रखते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केकियन दारूवाला। 11 में आइए, केकियन दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बोर्न, है ना, वो जो उनके बच्चे थे वो बच्चे को जो कंसाइन कर दिए थे वो अंतिम संस्कार के लिए आग में भेज दिए थे, तो उनका क्या थे, सिस्टर नहीं, फादर नहीं, ब्रदर नहीं, वो क्या चीज थे, उनका सन थे, नहीं कवि के बेटा थे, कवि के पुत्र थे, जिसको क्या कर दिए थे, टावर ऑफ साइलेंस दूर होने के नाते उनको आग में ही अंतिम संस्कार कर दिए थे। कहते हैं कि द स्पीकर इन द पोएम, स्पीकर इस पोएम में, फायर हिम मतलब फायर हिम कविता में, स्वेर्स वो क्या करता है, कसम खाता है, क्यों कसम खाता है, कितना बार खाता है, वंस एक बार, थ्रीस 3 बार, ट्विस 2 बार, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो कवि इस कविता में 2 चीज का कसम खाते हैं, क्या चीज का, एक तो कभी अपने कोई फैमिली को आग में जलाएंगे नहीं, एक, और दूसरा कसम खाते हैं कि मैं कसम खाता हूं कि इस अग्नि को, इस सीन से, इस पाप से, इसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, नहीं, तो यहां पर ट्विस होगा, मीन 2 बार ये कसम खाते हैं,
है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट में कहते हैं कि द क्या चीज, क्रिएमेशन ऑफ डेड बॉडीज आर इन डॉट 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 सम डिफरेंट। कहते हैं कौन से ऐसे धर्म है जिनका कुछ विभिन्न तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है, तो वो आपके पारसी धर्म है इस चैप्टर में, है ना। पारसी धर्म को क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार कुछ अलग तरीकों से की जाती है। ठीक है अब हम लोग आइए कहाँ, 14 में। कहते हैं केकियन दारूवाला वाज ए डॉट 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 बाय रिलीजियस, इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिए हैं। कहते हैं केकियन दारूवाला वाज ए डॉट 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 बाय रिलीजियस, वो किस धर्म से संबंध रखते थे, पारसी धर्म से संबंध रखते थे, कौन केकियन दारूवाला, है ना। नेक्स्ट आइए द पोएट सीज, कभी देखते हैं द रेड हॉट, वो लाल कैसा एकदम लाल, और क्या चीज को देखते हैं, एम्बर्स को देखते हैं, नहीं आग की लपट को देखते हैं। कभी जब गुजर रहे थे उस रास्ते से, किस रास्ते से, बर्निंग हॉट वाले रास्ते से अपने पिताजी के साथ, तब वो देखते हैं कि अरे बॉडी तो बहुत पहले जला दिया गया है लेकिन इसकी आग की लदहक अभी तक क्या चीज है, बरकरार है। मीन उससे चिंगारी के तरह लालिमा एकदम फूट पड़ रहा था, नहीं एक चिंगारी निकल रहा था। कभी यही चीज देख करके क्या चीज हो जाते हैं, एकदम शोक्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, नहीं और कभी को लगता है कि अब कभी भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं आग में सौंपना नहीं चाहिए, क्योंकि आग पारसी धर्म के लिए क्या होते हैं, पूजा की जाती है। पारसी धर्म आग को क्या करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। नहीं अब देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ आंसर एम्बर्स को, आग की लपेट को देखते हैं। नहीं नेक्स्ट देखिए स्वेर्स, कसम खाते हैं टू सेव, रक्षा करने के लिए, फायर फ्रॉम मतलब आग से, द सीन ऑफ क्या चीज, हाँ फॉरगेटफुलनेस, नहीं वो आग अपनी लालिमा को भूल गया है। तो कभी कहते हैं कि मैं इन अग्नि को इस चीज को याद दिलाऊंगा, और इस पाप से, जो पाप कर रहा है, कौन पाप कर रहा है, आग ने क्या चीज के बारे में वो कभी कहे, पाप क्या चीज करते हैं। आग जो है मृतक के पूरे शरीर को जलाते नहीं है, वो अपने कठोरपन को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आग का काम है कठोर होना, किसी चीज को गर्म कर देना या जला देना, और इसी चीज को वो क्या कर गए थे, भूल गए थे। तो कभी कहते हैं कि मैं इस आग को इस पाप से बचाऊंगा, रक्षा करूंगा, यहां भी कभी एक बार कसम खाते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा यहां पे, केकियन दारू वाला कसम खाते हैं। नेक्स्ट देखिए फायर हिम डील्स, फायर हिम में वो बताए, क्या बताए, डील्स किए। कहते बिथ द डॉट 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 घाट के बारे में, कौन घाट के बारे में बताए, बर्निंग घाट के बारे में बताए। नहीं 17 में कवि कह रहे हैं कि वो किस चीज के बारे में डील किए हैं इस चैप्टर में, फायर हिम चैप्टर में, तो बर्निंग घाट के बारे में डील किए हैं। आगे देखिए कहते हैं द सेकेंड टाइम द स्पीकर सोर, सेकेंड टाइम, इससे ये पता चल रहा है कि कभी दो बार इसमें क्या किए होंगे, कसम खाए होंगे। नहीं कहते हैं द सेकेंड टाइम स्पीकर सोर, कसम खाते हैं टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ, और क्या चीज से, फॉरगिविंग से। नहीं फॉरगिवनेस आपके पुस्तक में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कभी कहते हैं कि मैंने कसम खाया, और क्या चीज से, उस आग से, हाँ सॉरी उस आग को पाप से बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। कहते हैं द स्पीकर बाज क्या चीज, ब्रोकन एट, लेकिन वो शोर को मीन वो क्या चीज, वो स्वेर को, वो शपथ को, वो कसम को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। नहीं देखिए नेक्स्ट में कहते हैं द नियरेस्ट वाज ए, नियरेस्ट जो है मीन सबसे करीब, सबसे पास, सबसे नजदीक, द नियरेस्ट डॉट 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 वाज ए, कहते हैं 1000 miles। नहीं क्या चीज था जो 1000 miles दूर था, मीन सबसे करीब जो थी, सबसे करीब उनका जो टावर ऑफ साइलेंस था वो कितना दूर था, 1000 miles था। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टावर ऑफ साइलेंस, आंसर क्या हो जाएगा, टावर ऑफ साइलेंस।
है ना। तो ये वीडियो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।